सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स विशाल। तो यार, आज हम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के बारे में हॉनेस्ट रिव्यू देखने जा रहे हैं। तो यार, ये एक एग्रीकल्चर कॉलेज है जो अहमदनगर में। तो यार, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वो कीजिए यार। चलो फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले हम इसकी स्टैट्स एंड रैंकिंग के बारे में देखते हैं। तो ये कॉलेज यार ICAR के अंडर आता है, और ICAR में इसकी 33rd रैंक है। तो यार, अच्छा कॉलेज है, मतलब ICAR के अंदर भी है। और उसके बाद इसकी स्टेब्लिशमेंट 1968 में हुई थी। और इसकी कैंपस के बारे में देखा जाए तो यार, फुल 8,000 एकड़ का कैंपस है। तो यार, बहुत बड़ा कैंपस है, यानी कि यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी है। और कैंपस भी पूरा हरा भरा है और क्लीन कैंपस है। तो यार, कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो ये बात तो अच्छी हुई। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो यार, अगर हम रेलवे स्टेशन से देखें तो ये 45 किलोमीटर दूर है अहमदनगर रेलवे स्टेशन से। और अगर हम एयर से आना चाहते हैं तो ये 50 किलोमीटर दूर है शिरडी एयरपोर्ट से। तो यार, कनेक्टिविटी भी अच्छी है इस कॉलेज की। और मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रेलवे स्टेशन पे आ गए तो वहाँ पे आपको रिक्शा वगैरह अच्छे से मिल जाएगा, मतलब दूर नहीं है ज़्यादा। उसके बाद यार, हम इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसकी फीस ओपन कैटेगरी एरिया के लिए देखा जाए तो इसकी फीस 40,000 रुपीज़ है फॉर ओपन कैटेगरीज। एंड उसमें यार 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिस के देने पड़ेंगे। तो यार, वो थोड़ा देख लेना। और अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी के हो, ओपन छोड़ के OBC ST, तो आपकी फ़ीस बहुत लेस रहती है यार, मतलब बहुत कम रहती है। वैसे देखा जाए तो 30-35,000 रुपीज़ ही फीस रहती है पर ईयर की। तो यार, फीस का भी मतलब कुछ उतना टेंशन नहीं है। अब इसके हम मोड ऑफ एडमिशन के बारे में देखते हैं, मतलब कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यार, जो हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, जो प्रॉपर महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, उनको यार MST CET एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और वो क्लियर होने पे उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट है, उनको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, AIEEE। तो यार, मतलब अच्छा एडमिशन हो जाएगा अगर आपने अच्छे स्कोर आए तो MST CET और AIEEE में। और यार, अगर हम आपके घर पे कोई खेती है, मतलब आपके पेरेंट्स कोई फार्मर है वगैरह है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कंसेशन मिलेगा, मतलब 30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसके। वो आपको काउंसलिंग के पीरियड में देखना पड़ेगा उसके बारे में कैसा है। तो अब हम इसके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो यार, इतना बड़ा कैंपस है तो यहाँ पे सभी गेम ग्राउंड से और वेल मेंटेन ग्राउंड से सभी, मतलब फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी बॉल्स के ग्राउंड से, सभी ग्राउंड से और वेल मेंटेन्ड हैं सभी। अभी यार, हम देखते हैं इस कॉलेज की सबसे मेन चीज़, मतलब अगर कोई भी कॉलेज देखा जाए तो सबसे मेन चीज़ तो यही होती है, प्लेसमेंट। तो यार, हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो यार, यहाँ पे है ना, मतलब प्लेसमेंट का उतना कुछ वादा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही आते हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ कैंपस वगैरह अच्छा मिलता है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही आते हैं। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उतना कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो 5 to 6 लाख एवरेज पैकेज रहता है, और मतलब गुड प्लेसमेंट रहती है। वैसे अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो कुछ वादा नहीं रहेगा। फिर अब हम इसके हॉस्टल एंड मेस के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो यार, यहाँ पे कुल मिला के 3 हॉस्टल्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, और वहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, वाईफाई वगैरह सभी चीज़ों की। और यार, फर्स्ट ईयर में आपका एक रूम में 2-3 बच्चे रहेंगे, लेकिन सेकंड ईयर से आपको स्पेशल रूम मिलेगी सभी को। और सभी हॉस्टल वगैरह नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड है। उसके बाद अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में देखा जाए तो 24 आवर अवेलेबल रहती है यार यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़।
तो मतलब मेडिकल का भी कोई वादा नहीं रहेगा। उसके बाद यार हम इसकी एलुमनीज के बारे में देख लेंगे। तो यार जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही आते हैं। तो यार यहाँ पे यहाँ के एलुमनी है जो अच्छे पोस्ट पर है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में, मतलब IAS IPS ऐसे भी पोस्ट पर है कुछ, तो यार एलुमनी भी अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर रैगिंग की बात देखी जाए तो यहाँ पे कोई भी रैगिंग नहीं है यार, मतलब एंटी रैगिंग कमिटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और ये इसमें अगर आपको NCC NSS में इंटरेस्ट है तो आप ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो यार ये भी आप देख सकते हो। तो यार कुल मिला के देखा जाए तो सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बड़ा कैंपस के साथ बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं इसके बारे में। तो यार इसके बाद थैंक यू। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अभी सभी कॉलेज रिव्यू वगैरह सभी कॉलेज के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लाएंगे। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए काउंसलिंग पीरियड में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।